नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के चमोली में मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है, जबकि 169 अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल जोशीमठ टनल में बचाव कार्य चल रहा है, वहां से 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल के बीच इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया। इस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बंगाल को लेकर बेबाक राय रखी। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने के लिए आया हूं, संभालने के लिए नहीं। यहां बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। भारत पाकिस्तानी सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने सरहद पार से आए कबूतरों को पकड़ लिया है। इस कबूतर के पंखों पर टैगिंग की हुई थी, इसके अलावा उनके पंखों पर नंबर भी लिखे थे, जिन्हें देखकर बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए। कबूतर किसी साजिश के तहत भेजा गया है या फिर किसी पक्षी स्टडी का वो हिस्सा है, इसे लेकर जाँच की जा रही है। इमिग्रेशन वॉइस के अध्यक्ष अमन कपूर ने जो बाइडेन प्रशासन के H-1B की बहाली वाले फैसले के जवाब में बयान जारी किया है। उन्होंने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारतीयों को 2022 में H-1B वीजा लॉटरी में शामिल नहीं करने को कहा है। म्यांमार में तख्ता पलट करने के बाद सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तमाम देशों ने फिर से लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास को तेज करते हुए म्यांमार से राजनयिक संबंध और कटौती करना शुरू कर दिया है और आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के ये कदम उठाने के बाद ऐसा करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के दादरी थाना क्षेत्र में अजयपुर के पास गौकंशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश को गोली लगी। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से 3 तमंचे और ढेर सारा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा सेंट्रो गाड़ी, 2 बछड़े, रस्सी, चाकू और गौकशी का ढेर सारा सामान भी बरामद किया गया है। ईडी ने हथरस कांड में दंगे की साजिश रचने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। लखनऊ में स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और ईडी के अधिकारियों के मुताबिक PFI और CFI के जिन 5 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनमें अतीकुर रहमान, जो कि CFI का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, वहीं मसूद अहमद CFI का दिल्ली महासचिव है, PFI के संपर्क में रहने वाले सिद्दीकी कप्पन जो कि पेशे से एक पत्रकार है, और मोहम्मद आलम PFI और CFI का सदस्य है। जोधपुर की सेशन कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत दे दी है। उनके खिलाफ हथियार के लाइसेंस का गलत हलफनामा देने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। सलमान ने सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा कि सलमान अपनी शूटिंग में बिजी होने की वजह से हथियार के लाइसेंस के बारे में बताना भूल गए थे। कोर्ट ने सलमान के वकील की दलीलों को सही मानते हुए उन्हें राहत दे दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सलमान पर आर्म्स एक्ट में नया केस दर्ज करने की तैयारी में राज्य सरकार थी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सारणी पावर प्लांट में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग चल रही है। हाल ही में कंगना के आंदोलनकारी किसानों को कथित तौर पर आतंकवादी करार दे दिया था। इससे कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिला, जो कि उनकी फिल्म धाकड़ की शूटिंग पर असर डाल सकता है। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने कंगना रनौत से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, अभिनेत्री को धमकी भी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी फिल्म की शूटिंग को रोक दिया जाएगा। वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्में बनाने के रैकेट वाले मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में एक्ट्रेस घना वशिष्ठ के साथ 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मॉडल सारिका शोना सुमन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया है। इस रैकेट की चपेट में आने से बची सागरिका शोना ने शिल्पा शेट्टी के पति की गिरफ्तारी की मांग की है और उन्हें भी इस रैकेट का हिस्सा बताया है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।